नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग में। दोस्तों, वहाँ से हम रात में आ गए तीसरी पार्टी के यहाँ महोबा बाज़ार, जो कि रायपुर सिटी में ही है, और यहाँ भी नो एंट्री है दोस्तों। अभी तो शोरूम खुला नहीं है, सुबह के 8 बज गए हैं। दोस्तों, ब्रश मंजन हो गया है, चलते हैं कुछ चाय पानी लेकर आते हैं खा पी कर, और तब तक शोरूम खुल जाएगा, फिर देखो ये अपने हिसाब से खाली करेंगे और यहाँ से फिर रात में निकलेंगे, क्योंकि दो पार्टी कमाल है भिलाई का। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें दोस्तों, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वहाँ जहाँ फ्लाईओवर ख़त्म होता है वहाँ चौराहा है, और वहीं है चाय नाश्ते का दुकान, और ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है इसी के नीचे गाड़ी खड़ी है, शोरूम इधर ही है। ये आरके मॉल है जो कि बंद है। तो चलते हैं दोस्तों, पहुंचते हैं वहाँ। ये अशोका होटल है दोस्तों, यहाँ बहुत भीड़ रहती है, और सामने दिख रहा है बोर्ड, जहाँ ब्रिज ख़त्म होता है वहीं चौराहे पर है। कोई ख़ास बहुत बड़ा तो नहीं है यहाँ दुकान या मार्केट, कुछ ही दुकानें हैं। तो आ गए हैं इधर और ऑर्डर करते हैं नाश्ता पानी। यहाँ का व्यू ऐसा ही है दोस्तों, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। ये इडली का नाश्ता, क्योंकि इडली मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। तो दोस्तों, चाय भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, और ये चौराहे का व्यू दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद पुनः वापस चलते हैं गाड़ी के पास, और देखो दोस्तों सामने रेलवे अंडरपास भी है ब्रिज का। आ गए हम ब्रिज के नीचे जहाँ गाड़ी है, दो गाड़ी है, एक वो गाड़ी है, एक मेरी भी खड़ी है, और ये दोस्तों वही अमीर लोग हैं पीने वाले, जो दिल पर चोट खाए हुए लोग हैं। तो यही सब यहाँ का व्यू है दोस्तों, आसपास का कोई और ख़ास तो कुछ है नहीं देखने दिखाने लायक। और इधर बगल में ये कुछ दो चार फाइनेंस का ऑफिस है, और पीछे वो शोरूम है मारुति का, बगल में ये ट्रांसफार्मर है, वो सामने अंडरपास दिख रहा छोटी गाड़ी आने जाने के लिए। तो दोस्तों, गाड़ी खाली हो चुका है और लमसम 3-3:30 बज रहे हैं। यहाँ गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि उतरना ठीक नहीं है, यहाँ इतने बेवड़े घूम रहे हैं शराबी, सामने में शराब का ठेका है दोस्तों, और इतनी भीड़ होती है, इतना भीड़ होता है, ऐसा लगता है पूरा शहर यहाँ शराब पीने आता है। मतलब सोचना पड़ता है, गाड़ी के आगे पीछे गाड़ी, मतलब चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। फिलहाल वो उनका काम है, उनकी ज़िंदगी है, लेकिन दोस्तों मतलब शराब का इतना जो है चलन। और दोस्तों, पिछली वीडियो में एक ने कमेंट करके बोला था, एक भाई साहब थे, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाया था, वो वही वीडियो थी जिसमें हमने बोला था कि लोग अपने बच्चों को कृष्णा का कपड़ा पहना के कृष्णा के जैसा बना देते हैं, लेकिन उनका चरित्र नहीं उतारते। देखिए, हम भी भक्त हैं, हिंदू हैं, वो भी सनातनी हैं पक्का, ठीक है ना। तकलीफ होता है यार, तुम फैशन करते हो धर्म का, देवी देवताओं का भी, इसके लिए कि उनके चरित्र को उतारना की आवश्यकता है, कपड़ा पहनकर उनके जैसा दिखने की आवश्यकता नहीं। तो इसी पर वो कमेंट किया था, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाया था। मैं बोला ठीक है, लोग हैं, अलग अलग सोच है सबकी। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और यहाँ से अब जाएंगे रात में वही 10-11 बजे के बाद, पूरा भीड़ शांत होने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अब समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।